Some of the nouns which are generally used in singular, it never takes s, es or an. कुछ ऐसे नाउन होते इस दुनिया में जो जनरली सामान्यतः मोटा मोटी यूज किए जाते हैं सिंगुलर के रूप में और हमेशा 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 सिंगुलर ही होते हैं, ना तो वो ऐसे एस लेके प्लुरल बनते हैं और ना ही वो अपने साथ आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। क्लियर ना? जैसे देखिए मैजिक, चलो पहले छापो तब बताए। ठीक है, मैजिक, मैजिक मतलब क्या हुआ? जादू, जादू। तो मैजिक ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, नेवर यूज एज एस या ईएस। कभी इसके साथ मैजिक का मैजिक्स हो नहीं सकता, और मैजिक हो नहीं सकता। क्लियर ना? कभी नहीं लेता एस या ईएस और ना ही ए या एन, कौन ये सब वर्ड। मैजिक जादू। लैंड, लैंड का लैंड्स नहीं हो सकता और लैंड नहीं हो सकता। क्लियर ना? गोल्ड का गोल्ड्स नहीं हो सकता और गोल्ड नहीं हो सकता। क्लियर ना? ऑलवेज यूज होगा सिंगुलर के रूप में। इंफॉर्मेशन का इंफॉर्मेशंस नहीं हो सकता और इंफॉर्मेशन नहीं हो सकता, है ना। एक है गार्बेज, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, कूड़ा कचरा का गार्बेजेज नहीं हो सकता और गार्बेज नहीं हो सकता। एक फर्नीचर, फर्नीचर मतलब क्या होता है? लकड़ी के बने हुए सामान सब, है ना, फर्नीचर। अब फर्नीचर जो होता है, फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता, क्योंकि ये भी ऑलवेज यूज एज सिंगुलर एंड टेक सिंगुलर वर्ब, नेवर टेक्स ए या एन और एस या एस। ओके, सीनरी का सीनरीज हो नहीं सकता, लगेज का लगेजेज हो नहीं सकता, लक का लक हो नहीं सकता और अलक भी हो नहीं सकता, एडवाइस का एडवाइसेज नहीं होगा और एडवाइस भी नहीं होगा। ओके, एडवाइस मतलब क्या होता है? सलाह, नाउन पर है इसीलिए। नेक्स्ट क्या है? हेल्थ, हेल्थ का हेल्थ नहीं हो सकता, पॉवर्टी का पॉवर्टीज नहीं हो सकता, ट्रैफिक का ट्रैफिक्स नहीं हो सकता। ओके, ये सब वर्ड ऑलवेज 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 यूज कैसे होते हैं? सिंगुलर के रूप में, ना तो ये एस ए एस लेके प्लुरल होते हैं और ना ही अपने साथ ए या एन लेते हैं, आर्टिकल भी नहीं लेते हैं। उम्मीद है आज के वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आगे लो नहीं, चलिए तो अपना जितना दोस्त उन सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करके रखे लीजिए इस चैनल को। ए नहीं कर, यहाँ हंस के बोले तो पगला सब कोई नहीं करते ना। उम्मीद है आज का वीडियो आप लोगों को बहुत 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 अच्छा लगा होगा। ये सारा कंसेप्ट आप लोग भूल नहीं सकते, बस दिल से देख लिए तो। क्लियर ना? ये सब एग्जाम ओरिएंटेड कंसेप्ट था। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो श्योर सब्सक्राइब करके रख लीजिए, डेली वीडियो मिलता है आप लोग को बिल्कुल कंसेप्ट से रिलेटेड और वर्ड भी हम लोग बहुत अच्छे से समझते हैं ट्रिक के थ्रू। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।